खरगोन जिले में ग्रामीण तबके तक मनरेगा योजना के तहत काम कराया जा रहा है, जहां धड़ल्ले से मशीन का उपयोग किया जा रहा है। बाद की सूचना लगातार प्रशासनिक स्तर पर मिल रही है, बावजूद उसके कार्य लगातार जारी है। दरअसल मामला जिले की बड़वा तहसील के ग्राम जीरभार का है, जहां के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पंचायत में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों की बात बताई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरों की बजाय मशीनों से काम हो रहा है। वहीं और भी कई नई जनकल्याणकारी योजनाओं का हवाला देकर लोगों ने इस बात का खुलासा भी किया कि सरपंच सचिव की मनमानी के चलते आम जन को लाभ नहीं मिल रहा है। बहरहाल ग्रामीणों ने प्रशासन के निर्माण कार्यों का मूल्यांकन करने के साथ उचित कार्यवाही करने का नाम पर ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। मंत्री कोई अपनी सुनवाई करता नहीं, मशीन काम कराता, हम पूछना बार बार जामा, कोई मजदूरी लगावता नहीं, सब भूखा मरे बच्चा ने कहीं से पाला, आधार कार्ड सही बनावता नहीं, सब पेंशन सही मिलती नहीं, अनाज सही मिलते नहीं, कंट्रोल में जामा अनाज भी सही मिलते, हमको भगाड़ दे और काम लगावता नहीं। किना ग्राम पंचायत के का ये जीरभार। क्या नाम है आपका? बसंती भाई। लेकर आप कहाँ से हैं आप लोग? ग्राम ग्राम पंचायत जिरबार के रहवासी संघ। हमारे ग्राम जिरबार में मनरेगा के तहत तो काम ना मिलने के कारण यहाँ पे हम शिकायत लेके आए हैं कि सरपंच और सचिव महोदय की वजह से आज हमारे यहाँ पे मनरेगा में जो काम आया है वो काम हमें ना मिलकर मशीनों द्वारा करवाया जा रहा है। इसके संदर्भ में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग करी आपने? सर, हमको काम नहीं मिलने की वजह से आर्थिक तंगी चल रही है और मजदूर मतलब कोविड-19 के चलते बहुत सारे मजदूर घर पे रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय सिटोले, ग्राम पंचायत जिले। जिस तरह से आप लोग परेशान दिख रहे हैं, युवा से लेकर महिला पुरुष तक नजर आ रहे हैं, ऑफिस में सारे जो अधिकारी के सामने मांग भी रखी आप लोगों ने, क्या मांगे आप? सर, हमारे ग्राम जिरवार में मनरेगा के तहत कुछ काम स्वीकृत हुआ है, जिसके तहत वो मशीनों से काम करवा कर गरीबों को मजदूरों से वंचित रखा जा रहा है, जिसके तहत मजदूरी नहीं मिल पा रही है और आर्थिक स्थिति से तंगी चल रही है और पंचायत इस बात को मद्देनजर नहीं रख रहा है, जिसके चलते ये काम मतलब मशीनों द्वारा करवा रहे हैं और मजदूरी नहीं मिल पा रही। आपने शिकायतें भी की होगी, क्या लगता है सुनवाई नहीं हो रही? शिकायत पंचायत में हमने करी है, लेकिन उसका कोई मतलब वो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए हमको कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देना पड़ा। कितने लोग ऐसे गांव में हम देखे और किस तरह की परेशानी उठाना पड़ रही? लॉकडाउन हम देखे तो काफी लंबे टाइम समय से लॉकडाउन, क्योंकि सरकार की जो योजना थी मनरेगा की वो गरीबों तक पैसा पहुंचे उसी के लिए थी। लॉकडाउन कोविड-19 के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे मजदूर संघ है, हमारे महिलाएं और साथ ही पढ़े लिखे भाई भी है, लेकिन कुछ मजदूरी नहीं मिलने के कारण घर पे ऐसे ही रह रहे हैं और पंचायत में इस बात का बताने के बाद भी कुछ उनके तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे, इसलिए आज हमको यहाँ पे आना पड़ा। क्या लगता है सरपंच सचिव मनमानी कर रहे हैं, मशीनों से काम करवा रहे हैं, मजदूरों के हक पर डाका मार रहे हैं? हाँ। क्या नाम आपका? विजय सिटोले, ग्राम पंचायत जीवन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।